फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। Swag se karenge sabka swagat. Y'all ready to bring the riff back? Swag se karenge sabka swagat.
गर्ल्स की परफॉर्मेंस सभी की बड़ी अच्छी रही है, ये रिजल्ट आएगा। कृपया स्टेज पर आए। आप सभी के सामने जो अभी पांच पांच बच्चे निकाले गए थे, उसमें से जो लड़कियों का कंपटीशन हुआ था उसमें दो लड़कियां हमारे पास आई थी जो टॉप पे, तो टॉप पे दो लड़कियां, माही खड़ी हो जाए, माही और वंशिका, ये दोनों स्टेज पर आ जाएं। आंसर जो अच्छे ढंग से देगा उसी को विजेता मान लिया जाएगा। तो दो जजेस जो मेरे साथ थे उनके सामने जो क्वेश्चन इनको होगा वो दोनों एक जो क्वेश्चन होगा उसी का जवाब देंगी, और आपने जज करना है कि कौन इस पर जो है ज़्यादा अच्छे ढंग से बोल रहा है। प्रश्न है, आपके लिए सुंदरता की क्या परिभाषा है वंशिका? सुंदरता का आपके लिए क्या पैमाना है? सौंदर्य के स्वरूप को आप क्या मानते हैं? I think हमारी inner soul अगर ज़्यादा beautiful है तो वही मेरे लिए शायद सुंदरता है। हम बोल सकते हैं कि सुंदरता है like inner हमारी जो beauty होगी वही ज़्यादा ही सही है। वो भी हमारा फेस देख के हम नहीं बता सकते कोई सुंदर है या नहीं है। तो जो इन्होंने जवाब दिया भाई, शारीरिक सौंदर्य ही कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, शारीरिक सौंदर्य के अलावा अंतर्मन का जो स्वरूप है वो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा महत्व रखता है। अब इसके बाद माही राणा इसी का जवाब देंगी, माही राणा इसी पर अपने विचार देंगी। ये कहना चाहूंगी कि बाहर से हम नहीं जज कर सकते किसी को भी, बोलते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वैसे ही है कि हम बाहर से किसी को जज नहीं कर सकते हैं। अंदर से जो जितना सुंदर होगा ना वही हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल भी बनेगा, तो शक्ल से वी कांट जज। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि ये बराबर का सा जवाब है, अंतर्मन का ही स्वरूप है दोनों का, घोषित किया जाता है। मिस फेयरवेल, मिस फेयरवेल,